हेलो फ्रेंड, शुक्ला जी विद रुद्र दीक्षित चैनल में समाजशास्त्र की पाठशाला में गांधी जयंती के अवसर पर जो आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूं, उसी में आठवीं कड़ी में आज आपके साथ में गांधी और शास्त्री जी के आदर्शों पर चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी जी का भी जन्मदिन है और शास्त्री जी का भी। इस पर अभी मैंने जनसत्ता दिल्ली का जो समाचार पत्र है उसमें नवनीत शर्मा का एक लेख पढ़ा था, वो बहुत ही अपीलिंग लेख है। उसके आधार पे सामान्य चर्चा करते हुए मैं आपसे करूंगा आज के चैनल में, इस समाजशास्त्र की पाठशाला में, कि गांधी और शास्त्री हमारे देश के महानायक हैं और उसके बाद हमने उनको कितना माना और कितना नहीं माना, इस पर मैं चर्चा करूंगा। गांधी और शास्त्री जयंती हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को, इस बार भी मनाई हमने। और देखा जाए तो वास्तव में आज जो 75 साल की आज़ादी हुई हमारी, अमृत महोत्सव है, तो हम देखें कि गांधी और शास्त्री जयंती सिर्फ एक सार्वजनिक छुट्टी बनाने का तरीका रह गया कि अरे गांधी जयंती है, छुट्टी है। हम इनके नैतिकता और आदर्श पे हल्की फुल्की कहीं बहस करके अपने आप को मानते कि हमने इनके दोनों नेताओं के प्रति, इनके व्यक्तित्व के नैतिकता शुचिता आदर्श को हमने प्राप्त कर लिया। बिल्कुल स्पष्ट है कि 2 अक्टूबर हम गांधी और शास्त्री जी के नैतिकता, नैतिक शुचिता और आदर्शों का पाठ पढ़ते हैं और पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर आते आते थे हम पुनः अपने उसमें आ जाते हैं। वास्तव में आज नैतिकता और आदर्श पे जो विमर्श हो रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत जटिल होते जा रहे हैं। इसमें जटिलता जो है वो दार्शनिक नहीं है, ये समाजशास्त्री और राजनीतिक है। समाजशास्त्री दृष्टि से भी देखें तो हमारे नैतिक और आदर्श बहुत जटिल हो गए हैं और राजनीतिक दृष्टि से तो इनमें जटिलता बढ़ती जा रही है। गांधी की नैतिकता और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श जो हैं, दो चीज़ें, गांधी जी की नैतिकता और लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्श, ये ताशकंद समझौता जो हुआ था उसके प्रकरण की तरह निरंतर अबूझ और रहस्यमय होते जा रहे हैं। आज हम नैतिकता और आदर्शों का अध्ययन अध्यापन सिर्फ देखा जाए तो परीक्षा तक ही सीमित रह गया। परीक्षा में पूछा जाता है नैतिकता क्या है, साक्षात्कार वगैरह जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कि नैतिकता क्या, आदर्श क्या है, तो ये तरीके से हमने इसको अपने एक जटिलता के आवरण में बांध दिया। 21वीं सदी में हम हैं और आज भी 20वीं सदी के जो हमारे नायक थे उन पर हम डिपेंड हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि 21वीं सदी में हमारे पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है जो शास्त्री जी या गांधी जी के समकक्ष आए, उनसे ऊपर निकलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। साहित्य में भी अगर हम देखें तो भारतीय जो मुंशी प्रेमचंद थे, उनका नमक का दरोगा जो कहानी है उसमें, उस वक्त का 20वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें नमक के दरोगा का जो नायक था वो रिश्वत देने से साफ मना कर देता था। वहीं हम जब आते हैं यहां 21वीं सदी में हरिशंकर परसाई जी के, उनकी भी एक कहानी, उनका एक व्यंग है सदाचार का ताबीज। अब देखिए कितना अंतर आ गया। मुंशी प्रेमचंद के जो कहानी थी नमक का दरोगा, उसका दरोगा रिश्वत नहीं लेता, मना कर देता, उसकी नैतिकता थी। लेकिन हरिशंकर परसाई का जो सदाचार का ताबीज है उसका नायक महीने का आखिरी होने का हवाला देते हुए रिश्वत स्वीकार कर लेता। तो कितना बड़ा गैप आ गया 20वीं से 21वीं सदी के बीच में। यहाँ पे एक द्वंद्व है। गांधी जी ने देखे 2 विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय के बीच में अहिंसा के आधार पे लड़ाई लड़ी थी और शास्त्री जी ने आदर्श जो भारत था, आजाद भारत था हमारा, 47 के बाद का जो भारत था उसमें सभी कुछ होने के बाद भव्यता थी, भारतीय भव्यता थी, भारत में भारत का देश, भारत अपना आजाद देश था, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया और अपनी एक पहचान बनाई। वास्तव में देखा जाए तो अभी भी हमारे यहाँ एक मिथक है। नवनीत शर्मा जी कहते हैं देश का जो जन है वो सामाजिक भ्रम में जी रहा है, उसके लिए तो हीरा एक लाल कागज में ही शोभायमान है, लाल कागज में हीरा शोभायमान है। अब हम देखें तो वास्तव में इन दोनों की संघर्ष गाथा बहुत हुआ है। दोनों एक सामान्य परिवार में से साधारण व्यक्ति एक असाधारण मुकाम तक पहुंच जाए, बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि हम भी उस असाधारण जो अकल्पित मुकाम है वहां पहुंचने का मादा रखें।
तेजी से हमारे यहाँ के मूल्य बदल रहे हैं, प्रतिमान बदल रहे हैं। आधुनिक और उत्तर आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के बीच अस्मिता और उसके प्रतिनिधित्व संशोधन हो रहे हैं। और इसी में आप देखिए कि हम देखते हैं कि गांधी भी हमको देखने को मिलते हैं और शास्त्री भी देखने को मिलते हैं। गांधी दर्शन और शास्त्री जी का आदर्श, इसको हम आज नई पीढ़ी में इनकी अनुपस्थिति में हम देख रहे हैं कि बच्चे को अभी ये जानकारी नहीं है कि गांधी कौन है, शास्त्री कौन है। गांधी जी तो कहते ही थे कि मेरा जीवन ही मेरा उद्देश्य है। अब आप सोचिए कि ऐसा कहने वाले कितने लोग बचे। गांधी जी ने जिस दर्शन को चुना था वो उनके साथ आजीवन उसमें डटे रहे। उन्हें जो एक दर्शन लिया था, उन्हें लिया था कि हमको समानता की बात करना है, हमको आज़ादी की बात करना हो, तो जीवन पर्यंत उसमें डटे रहे। उसके लिए उनकी कई आलोचना हुई, कई उन्हें उनकी बुराई की, लेकिन गांधी जी ने अपने दर्शन को नहीं छोड़ा। और उसी तरह में आप देखिए आज स्थिति ये हो गई है कि गांधी जी तत्व नैतिकता की परिकल्पना जो थी वो नेपथ्य में चली गई है। औपनिवेशिक साम्राज्य से लड़ाई लड़ने में गांधी के जो हथियार थे, औपनिवेशिक यानी ब्रिटेन से लड़ाई लड़ने में गांधी के पास जो हथियार थे क्या था, सत्याग्रह था, अहिंसा थी, सविनय था, खादी थी, बकरी थी और चरखा था। उन्हीं के माध्यम से उन्हें अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और 100 साल का आंदोलन जो हमारा आज़ादी का ऐसा माना जाता है कि 100 साल का आंदोलन था, उसके नैतिक मूल हमने सिर्फ 75 साल जो हम मना रहे हैं ना अमृत महोत्सव, 75 साल में ही वो सारे नैतिक मूल हम भुला दिए। अब खादी का जो लिबास है, उजला लिबास है, वो श्रद्धा की जगह नहीं, उसमें धूर्तता झलकती है। सादगी को पिछड़ापन मान लिया गया है। जो लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं उनको पिछड़ा मान लिया जाता है, और जो सत्यनिष्ठा पर चलते हैं उनको कहा जाता है मूर्ख है। ये देखिए ये मूल कितनी तेजी से बदले। 100 साल की आज़ादी के आंदोलन के जो हमारे मूल थे, जिनके आधार पर हमने आज़ादी प्राप्त की, वो सिर्फ 75 साल में ही परिवर्तित हो गए। शास्त्री जी ने गांधी की समझ के अनुसार, शास्त्री जी कैसे थे, जिन्होंने गांधी की समझ के अनुसार लाल बहादुर वर्मा से लाल बहादुर शास्त्री होना श्रेष्ठ कर समझा। उन्होंने अपने आप को लाल बहादुर वर्मा कभी नहीं कहलाया। हम सभी जानते हैं कि लाल बहादुर वर्मा लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से कम लोग तो जानते ही नहीं, कईयों का कहना है कि शास्त्री सरनेम है, जबकि वास्तव में शास्त्री क्या है, काशी विद्यापीठ में जो ग्रेजुएट होता था, बीए पास होता था, उसको शास्त्री कहा जाता था। और गांधी जी ने जब ग्रेजुएशन किया तो शास्त्री जी ने जब ग्रेजुएशन किया, स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उन्होंने अपने नाम को लाल बहादुर वर्मा से लाल बहादुर शास्त्री रख लिया। और वो देखिए चला आ रहा है, उनके बच्चे भी हैं और हम सभी लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। शास्त्री जी की सादगी देखिए, जिसको कि आज हम कहते हैं ना पिछड़ापन, वो प्रधानमंत्री काल जो था उनका 18 महीने का 2 धोतियों में उनने पूरा करा। उनके पास कोई नई गाड़ी नहीं थी, हवाई जहाज, और आज के हमारे जो नेता हैं वो नई गाड़ी और हवाई जहाज की दौड़ में, जबकि शास्त्री जी पुरानी एम्बेसडर में चलते थे और परिवार को भी उसमें उपयोग नहीं करने देते। वो फटी धोती में रफू करके ही जाते थे और कुर्ता जो फट जाता था ऊपर से जैकेट पहन लेते जिससे कि लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन सादगी उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सादगी में ही उनका जीवन पूरा लिप्त रहा। भारतीय समाज में 5 दशक पहले इन सभी चीज़ों को क्या है कि जो आजकल गाड़ी घोड़ा और हवाई जहाज है ना, शान शौकत भौतिकता, इसको अश्लील व्यवहार समझा जाता था, लेकिन आज ये शालीन व्यवहार हो गया। और गांधी और शास्त्री की जो हम बात करते हैं, गांधी जी और शास्त्री की, हम क्या उनकी छुट्टी बनाने के लिए उनके आदर्शों की बात करते हैं क्या कि छुट्टी बना दिया जाए? इनके दिन छुट्टी बनाने की जरूरत ही नहीं। वास्तव में हम नैतिकता आदर्श पे बहस ना करके भारतीय समाज की परिकल्पना को यथार्थ बनाने की जब चेष्टा करेंगे तब वास्तव में हम गांधी और शास्त्री के अनुयायी होंगे। अभी तो हम सिर्फ गांधी और शास्त्री जी पे छुट्टी मान के, छुट्टी है उस पर बहस कर लिया। तो और पहले कमरों में बहस होती थी, साक्षात बहस होती थी, दोनों पक्ष होते, अब तो वेबिनार का जमाना है तो ऑनलाइन बहस हो रही है। और इसमें 21वीं सदी में अगर हम देखें तो आज भी ऐसा क्या है कि हमको 20वीं सदी के गांधी और शास्त्री की आड़ लेना पड़ रही है? आज भी गांधी जी के आदर्श, गांधी जी की नैतिकता, गांधी जी के सिद्धांत वही हैं, शास्त्री जी की शुचिता भी वही है, और ये सारी चीज़ें हमको नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाना पड़ रही है, जबकि ये तो हमको आत्मसात हो जाना चाहिए। गांधी जी का पुनर्पाठ और शास्त्री जी के अनुकरण जो है हम सभी के मन में आत्मसात हो जाना चाहिए। अब क्या कहा जाए इसके लिए, ये जो है
इसके पीछे मूल कारण क्या है कि हमारे मूल्यों का चरण बहुत तेजी से हुआ। मैंने आपसे कहा ना, 100 साल की आजादी के मूल हमने सिर्फ 75 साल में खत्म कर दिए। आज भी आप देखिए, गांधी और शास्त्री जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मूल्यों का क्षरण हुआ, निरंतर मूल हमारे खत्म होते जा रहे हैं। बेईमानी, भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब, छल, कपट, ये हमारे आदर्श बनते जा रहे हैं। ये हमारे आदर्श, हम समाज को वो संदेश दे रहे हैं जिसमें हमको फायदा होता है, बल्कि हम वो संदेश से दूर हो रहे हैं जिससे समाज का भला और हमारा भला होता है। तो ये गांधी और शास्त्री जो हैं, वास्तव में इनके आदर्श जो हैं धीरे धीरे नैतिकता और अलगाव, आदर्श जो हैं अलगाव की ओर हो जाते जा रहे हैं। आज वास्तव में जरूरत क्या है, पुनः एक बार हमको गांधी जैसे मूल्यों को रखना होगा और शास्त्री जी की शुचिता को रखना होगा, शास्त्री जी के आदर्श को रखना होगा। अगर हमने इसका 10% भी पालन कर लिया, गांधी जी की नैतिकता और शास्त्री जी की शुचिता और आदर्श का अगर हमने 10% भी अपने में आत्मसात कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है भ्रष्टाचारी देशों की लिस्ट में जो अभी ऊपर है वो एकदम से अंतिम पायदान पे पहुंच जाएगा और पूरे देश में खुशहाली होगी। तो 2 अक्टूबर हमारा ये प्रण होना चाहिए, हमारा ये संकल्प होना चाहिए, हम गांधी जी के नैतिक, गांधी जी के आदर्श, गांधी जी की नैतिकता और शास्त्री जी के आदर्श और शुचिता का अनुसरण करें, उनका पालन करें। जिस दिन हमने गांधी और नैतिक को, गांधी जी और शास्त्री जी को आत्मसात कर लिया, उनको अपने साथ, उनके आत्मबोध के साथ हम जुड़ गए, तो वो दिन दूर नहीं जब जब हमारे जो मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है वो तत्काल रुक जाएगा और भारत एक ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। आज के लिए आपके साथ इतना हुई। 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी की सिर्फ जयंती ना मनाएं, बल्कि उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को हम आत्मसात करना सीखें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इससे अवगत कराएं।